आपने सुना होगा गुजरात का जो बिल्कीस बानो का केस है, 11 मुलजिमों को रिहाई दे दी हुकूमत ने और उनका गुनाह माफ़ कर दिया, उनको जेल से रिहा कर दिया। कुछ लोगों ने उनको हार डाले, कुछ लोगों ने उनको मिठाइयाँ खिलाई। फिरका परस्ती है ये, बस और क्या है। दुनिया के अंदर थूथू हो रही है, दुनिया के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं जिन्होंने इस केस का, बिल्कीस बानो केस का फैसला किया था, जस्टिस यूडी सालवे, उन्होंने बहुत बरहमी और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ये जो फैसला करने वाले हैं, उनको रिहा करने वाले हैं, इनको दोबारा गौर करना चाहिए। 11 मुलजिमों के ऊपर जो केस हुआ है, सीबीआई ने उसकी इंक्वायरी की है, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सबूतों के आधार पर उनको सज़ा दी गई है। तो जज ने भी कहा कि ये इंसाफ के साथ मजाक है, ये जमहूरियत के साथ मजाक है, ये मज़हब के साथ भी मजाक है। उन्होंने कहा कि इस तरह से जिन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, इस पर दोबारा गौर होना चाहिए। हमें तो अफसोस यह है कि जैसे पहले निर्भया केस में और दूसरे मामलात में जो लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई थी, मर्डर हुआ था, आपने देखा था, कोहराम मच जाता था, लेकिन बिल्कीस बानो के केस में कोई नहीं बोल रहा। हिंदुस्तान में जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है अकलियतों का, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो नेशनल वीमेन कमीशन है, जो नेशनल पब्लिक ग्रीवांस कमीशन है, जो सरकारी इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, वो भी नहीं बोल रहे। बहरहाल दुनिया तो देख रही है, आपको मालूम ही है, दुनिया देख रही है। अमेरिका की एक तंजीम है, अमेरिका का एक कमीशन है, USCIRF, बैनुल अक्वामी मजहबी आज़ादी की एक कमीशन है अमेरिका हुकूमत का। जैसे ये कमीशन के मैंने नाम लिए ना, ये तो भारत सरकार के कमीशन है। मैंने जो नाम लिया USCIRF, ये अमेरिका का कमीशन है। बिल्कीस बानो केस में मुलजिमों की रिहाई पर अमेरिका के कमीशन ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि 2002 के गुजरात के फसाद के मुलजिमों को बचाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के लिए और अकलियतों के लिए ज़िंदगी तंग की जा रही है, उन्होंने मजम्मत की है। यहाँ तो मैं तफसील से आपको नहीं बता सकता, वो जो उन्होंने कहा है, उन्होंने बयान भी, स्टीफन शेंक उसके सदर हैं, उन्होंने बयान भी जारी किया है और लंबे लंबे ट्वीट्स करके उन्होंने वो बयान जारी किया है। तो हिंदुस्तान वाले नहीं बोल रहे, लेकिन बाहर वाले बोल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है ना, हिंदुस्तान का एक वाकया, उसमें हिंदुस्तान का कोई नहीं बोल रहा और बाहर के बोल रहे हैं। बहरहाल मुल्क की बदनामी हो रही है ना, और अमेरिका का जो ये कमीशन है, ये सारी दुनिया पे नज़र रखता है, खाली हिंदुस्तान पे नहीं, सारी दुनिया पे नज़र रखता है। और आजकल ये मामला बिल्कीस बानो का सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा से गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होगा और बिल्कीस बानो को भी इंसाफ मिलेगा, इससे अदलिया का वक़ार बुलंद होगा और मुजरिमों को दोबारा से जेल में डाला जाएगा। ये हम उम्मीद करते हैं, इंशाल्लाह हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको